परिचय तरुण क्या तुम जानते हो कि हमारा विद्यालय हमारे घर से कितना दूर है मैं नहीं जानता कि कितना दूर है ये तीन दशमलव दो किलोमीटर दूर है ओह तीन दशमलव दो किलोमीटर तुम्हारा मतलब तीन किलोमीटर ठीक है नहीं तरुण ये तीन किलोमीटर से ज्यादा है हम्म दशमलव दो नहीं समझ पा रहा ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ तीन दशमलव दो तो तीन और चार के बीच में पड़ता है और हम बिंदु के बाद इस संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं वास्तव में ये पूर्ण संख्या एक भाग है बच्चों इस पाठ में हम दशमलव के बारे में सीखेंगे सीखने के लिए साथ आए आओ सीखें। दशमलव की अवधारणा का वर्णन करना दैनिक जीवन में दशमलव के प्रयोग के लाभ की चर्चा करना आवर्ती और शांत दशमलव को परिभाषित करना अपरिमेय संख्याओं को पहचानना दशमलव क्या है मूलतः दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग है भिन्न पांच पटा दस को दशमलव पांच लिखा जा सकता है दशमलव बिंदु को देखकर आप आसानी से एक दशमलव की पहचान कर सकते हैं दशमलव इकाई दशमलव को समझने के लिए पहले हमें स्थानीय मान को समझना होगा कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक आयत है जो एक पूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करता है यदि हम इसे दस बराबर आयतों में बांट दें तो हमारे पास एक का दस भाग होगा या हम इसे दसवा भाग भी कह सकते हैं अब यदि हम उन आयतों को दस छोटे आयतों में बांट दें तो हमारे पास दस गुणा दस यानी एक का सौ भाग होगा जो कि उसका सौवा भाग होगा अब यदि हम उन आयतों को दस छोटे आयतों में बांट दें तो हमारे पास दस गुणा सौ यानी एक का हजार भाग होगा जो कि उसका हजारवा भाग होगा अतः दसवा भाग सौवा भाग और हजारवा भाग को दशमलव की इकाई कहते हैं दशमलव का स्थानीय मान दशमलव को लिखना काफी आसान है दशमलव बिंदु के दाई तरफ की संख्याएं दशमलव है उसका स्थानीय मान दसवा सौवा हजारवां इत्यादि है जबकि दशमलव बिंदु के बाई तरफ की संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है उसका स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार इत्यादि होता है इसलिए इस संख्या को हम चौसठ और छियासी सौवा भाग पढ़ेंगे दशमलव का सामान्य प्रयोग क्या आप जानते हैं कि एक रुपया सौ रुपये का सौवा भाग है क्या ये मजेदार नहीं है हम दशमलव का उपयोग मापन वजन और तापमान के लिए भी कर सकते हैं इसलिए दशमलव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दशमलव का जोड़ और घटाव पूर्ण संख्याओं की तरह ही दशमलव का जोड़ और घटाव भी आसान है इसके लिए आपको पहले दशमलव को एक सीध में लाना होगा देखा ये आसान है दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आसान है जिस संख्या में दशमलव के अंक कम हैं, उसके अंत में शून्य लगाकर दूसरी संख्या के अंकों को बराबर करके और आप तत्काल बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है याद रखिए दशमलव अंकों के दाई तरफ शून्य बढ़ाने से उनका मान परिवर्तित नहीं होता आवर्ती दशमलव कुछ दशमलव कभी खत्म नहीं होते और उनके दाएं तरफ अंक पड़ते ही जाते हैं एक बटा तीन के भिन्न की दशमलव संख्या देखिए आपने क्या देखा ये दशमलव तीन, तीन 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 से शुरू होकर ऐसे ही बिना खत्म हुए बढ़ता जाता है अतः इस तरह के दशमलव को आवर्ती दशमलव नाम दिया जाता है आप चाहें तो इसे तीन दसवें भाग या तीन सौवे भाग के बाद इसे रोक सकते हैं लेकिन आखिरी अंक के आगे एक रेखा लगा देना ज्यादा उचित होगा इस रेखा से पता चलता है कि अंक आवर्ती हैं। जो दशमलव समाप्त हो जाते हैं उन्हें सांत दशमलव कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कुछ दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाते हैं ये ना समाप्त होते हैं ना ही आवर्ती होते हैं पाई इसका एक अच्छा उदाहरण है जो किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होती है ये संख्या तीन दशमलव एक चार एक पांच नौ से शुरू होती है और बिना किसी आवर्ती या अन्य तरीके से अनंत तक जारी रहती है हमने क्या चर्चा की दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग होता है दशमलव बिंदु के दाएं तरफ की संख्याएं दशमलव होती हैं और उनका स्थानीय मान दसवां भाग सौवा भाग हजारवा भाग इत्यादि होता है दशमलव बिंदु के बाएं तरफ स्थित संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और उनका स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा और हजार होता है दशमलव का प्रयोग प्रतिदिन मुद्रा वजन तापमान और दूरी के मापन की बातचीत में होता है दशमलव को दशमलव बिंदु के एक सीध में रखकर जोड़ा या घटाया जा सकता है कुछ दशमलव जो ना आवर्ती होते हैं न ही समाप्त होते हैं उन्हें अपरिमय संख्या कहते हैं